अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आप सबको खुश व खुर्रम रखे, मेरी दुआ है, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है लकोरिया। लकोरिया दो किस्म का होता है, फिजियोलॉजिकल लकोरिया और पैथोलॉजिकल लकोरिया। आज मैं इन दोनों की वजूहात और अलामात के बारे में बताऊंगा, घरेलू नुस्खा और अपना एक मुजरब नुस्खा बताऊंगा। उम्मीद है आप दोस्त पसंद करेंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके बेल आइकॉन को ऑल पर कर दें, ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, पहला लकोरिया फिजियोलॉजिकल लकोरिया है। इस लकोरिया की वजह से जिस्मानी अवामल में तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर घबराहट, जोश व खरोश, हारमोन्स में तब्दीली और जिनसी ख्वाहिशात में इजाफा। दूसरी किस्म का लकोरिया पैथोलॉजिकल लकोरिया है। इस लकोरिया की सबसे बड़ी वजह नामुनासिब गिज़ा और सेहत की खराबी है। नफसियाती मसाइल और इज़ाए मखसूसा की इन्फेक्शन से भी लकोरिया की इस किस्म का सामना करना पड़ सकता है। लकोरिया की अलामात हर खतून में मुख्तलिफ होती है। बाज़ ख़वातीन को सिर्फ एक अलामत का सामना करना पड़ता है और कुछ ख़वातीन को ज़्यादा अलामत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी अलामात मुंदरजा ज़ेल हो सकती हैं। इज़ाए मखसूसा से सफ़ेद, पीली या बदबूदार रतूबत बहना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, इज़ाए मखसूसा में खारिश, कब्ज़, सुस्ती व कहली, थोड़ी मकदार में जलन के साथ पेशाब आना, सरगर्मियों के दौरान तकलीफ का सामना, हैज के दौरान तकलीफ, रीढ़ की हड्डी या पंडलियों में दर्द, निज़ाम हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल, खून की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, लकोरिया की इन अलामात की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हैज के दौरान गैर मुतवाजन गिज़ा और नामुनासिब रहन सहन, सिगरेट या शराब नोशी, ज़हनी परेशानी या मुख्तलिफ सदमात, इज़ाए मखसूसा को साफ ना करना, जिनसी अमल के नतीजे में मुंतकिल होने वाली बीमारियाँ, जोड़ों का दर्द और दीगर मसाइल, बैक्टीरिया या फंगस से होने वाले इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, माना हमल अद्वियात का इस्तेमाल, इज़ाए मखसूसा में सोजिश, गेंठिया और पेट के निचले हिस्से में सोजिश। लकोरिया की अलामत को मुंदरजा ज़ेल देसी इलाज के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है, यानी सुंड का इस्तेमाल, ज़ीरे का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल, भिंडी तोरी का इस्तेमाल, सूखे धनिया का इस्तेमाल, मोंगरे और चावलों के पानी से भी लकोरिया से जान छुड़ाई जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं मुजरब अल मुजरब नुस्खा की तरफ। दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि आपने लेना है माजू बेसुराख 100 ग्राम, माई कलां 100 ग्राम, धनिया खुशक 100 ग्राम, बखड़ा 100 ग्राम, बखड़े को साफ कर लें, तबाशीर नकरा 100 ग्राम, राल सफ़ेद 100 ग्राम, बिलगरी जिसको पत्थर बेल, इंडिया वाले दोस्त कहते हैं पत्थर बेल, बिलगरी बोलते हैं, ये भी 100 ग्राम, मिश्री कूजा अच्छी वाली लें 100 ग्राम, और जड़पान ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है, और कत सफ़ेद 100 ग्राम, और कुश्ता कलई 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को साफ करके मिला लें, और कुश्ता कलई 50 ग्राम और कुश्ता सद्दफ 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को साफ करके मिला लें और बारीक सफ़ूब बना लें। इसके बाद छान कर 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें, 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम हमरा आब ताज़ा से दें, सुबह दोपहर हो सके तो दूध नीम गर्म 1 गिलास ज़रूर दें, रात को दूध इस्तेमाल नहीं करना। इस नुस्खा से हुक्मा अपनी अकल और तशखीस से बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं, जैसा कि लकोरिया, कमर दर्द, जरियान, ज़कावत हिस,
पोटियां और मोशन के लिए भी बहुत मुफीद है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। परहेज इसका है नान, परोठा, मुर्गी, बोतल, चावल, तली हुई चीज़ें, अंडा वगैरह। आप सब दोस्तों का खादिम, दुआओं का तालिब, हकीम तारिक जावेद फ्रॉम फैसलाबाद।